जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, बस यही कहूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहली बात तो ये है कि ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, शायद कभी आई। और अभी तो ये वर्ष हम सभी के लिए ये अवसर बहुत सुखद है, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी आज महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे अहान के साथ भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, जबलपुर के विधायक राकेश सिंह ने भी परिवार के साथ पूजा की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शिवम कुशवाहा। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी महाकाल दर्शन के लिए बेटे अहान शेट्टी के साथ उज्जैन पहुंचे। दोनों बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुए। सुनील शेट्टी ने बेटे अहान और मंत्री राकेश सिंह ने नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। वहीं भस्म आरती में शामिल होने के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि महाकाल के दर्शन पाकर जो महसूस हुआ, उन्हें वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। वो पहली बार महाकाल दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन वह अब हर साल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आएंगे। उन्होंने महाकाल की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, बस यही कहूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहली बात तो ये है कि ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, शायद कभी आई। पूजा चल रही थी, आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है, और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी सिस्टमैटिक। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था, और बहुत ही खूबसूरत आरती। और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए, अगर आरती मन को भर जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए, तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही गया, तो बहुत अच्छा लगा। सर, राम की सदी आने वाली है 22 तारीख को, बेसब्री से देशवासियों का इंतजार है, क्या कहेंगे? तो इससे बढ़िया टाइम देश का है ही नहीं। और जो काम हो रहा है, आप रिलीजियस जगहों को देखिए, या हमारे मंदिर और रिलीजियस स्थानों को देखिए, या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, या टेक वाइज देखिए, या बाकी प्रगति भी देखेंगे, तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमारा। वहीं अभिनेता शेट्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि इससे बढ़िया समय देश का है ही नहीं। हमारे मंदिर और तीर्थ स्थलों पर जो काम हो रहा है, हमारे स्ट्रक्चर देखें तो यह कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा कितनी प्रगति भी हो सकती है। महाकाल मंदिर और महाकाल महालोक को लेकर कहा कि बाबा महाकाल का अच्छे से पूजन किया, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। महालोक लोक से चलकर आए तो मुझे तो किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर व्यवस्था यहाँ की लगी। पब्लिक के पॉइंट के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने महाकाल से परिवार के साथ प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा, लोक निर्माण से लोक कल्याण तक की यात्रा उनके चरणों की कृपा से मंगलमय और मंगलकारी हो, मध्य प्रदेश और जनता के हित में हो, यही मांगा है। और अभी तो ये वर्ष हम सभी के लिए ये अवसर बहुत सुखद है, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कुछ ही समय बाकी रह गया है। आज मैं बाबा महाकाल के चरणों में आया हूँ पूरे परिवार के साथ। पूजन के साथ ही मैंने लोक निर्माण से लोक कल्याण तक की यात्रा उनके चरणों की कृपा से मंगलमय हो, मंगलकारी हो, प्रदेश के हित में हो, प्रदेश की जनता के हित में हो, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़े, जो जरूरतमंद हैं उन सभी पर बाबा महाकाल की कृपा हो, यही आशीर्वाद उनसे मैंने मांगा है। और जो जिम्मेदारी मेरे पास है उसका निर्वहन ठीक तरीके से कर सकूँ, ये आशीर्वाद भी उनसे मांगा है। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।